अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर वन सेल्स पार्टनर है। कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की ऑथेंटिक एक्चुअल ग्राउंड फुटेज के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो की शुरुआत सेक्टर जी के बिल्कुल एडजेसेंट 180 फीट की रोड से है और यह वीडियो 1 मई 2022 की रिकॉर्डेड है। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम सेक्टर जी, जो कि 10 मरला का सेक्टर है ओवरसीज सेंट्रल का। चूंकि सेक्टर जी को मैंने बहुत ही तफसील के साथ एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट सा इंट्रो दे रहा हूं कि यहां पर 15 से 20 फीट की फिलिंग है। स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3 के ऊपर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ और बीच में एक जगह पैच है जिसको सोसाइटी अभी एक्वायर करने में नाकाम रही है, जिसमें ये दो मकान भी शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको सेक्टर जी की तफसीलन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, आने वाली वीडियोस में सेक्टर जी की दोबारा से आपको तफसीलन वीडियो मिल जाएगी। ये वो सेक्टर जी का पैच है जिस पर दो मकान भी बने हुए हैं और रिमेनिंग एरिया पे अभी तक कटिंग एंड फिलिंग का काम शुरू नहीं हुआ। ये स्ट्रेट लाइन जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये 400 फीट की मेन बुलेवार्ड है जिसका काम डॉक्टर्स इनक्लेव से लेकर सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल तक कम्प्लीट कर दिया गया है। हमेशा मेरे से वीडियो रिकॉर्डिंग में सेक्टर सी के साथ सेक्टर ई, डी और एफ ब्लॉक जो है वो रिकॉर्डिंग में रह जाता था, या उसकी प्रॉपर जिस तरह मैं कवरेज चाह रहा था वैसे नहीं हो पाती थी। इसीलिए इस बार जो है सेक्टर जी और बाकी सेक्टर्स को निगलेक्ट करके सेक्टर सी, डी, ई और एफ के ऊपर खसूसी फोकस किया गया है और डिटेल्ड वीडियो आपके लिए कैप्चर की गई है। 29वें रमज़ान को वीडियो रिकॉर्ड की गई, यानी कि 1 मई 2022 की वीडियो है। इस पर आप इंशाल्लाह बहुत जल्द देख पाएंगे कि कितना रैपिड डेवलपमेंट का काम ओवरसीज सेंट्रल पे हुआ है, अर्थवर्क का काम हुआ है और इसको फर्दर डेवलप होने में मिनिमम भी 1.5 से 2 साल फर्दर रिक्वायर्ड हैं प्रॉपर पोजिशनेबल होने में। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल का, सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल का एक कनाल का ब्लॉक है और बहुत ही प्राइम, बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन के ऊपर है। इसके फ्रंट के ऊपर 400 फीट की बुलेवार्ड और इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर 350 फीट की बुलेवार्ड। ये जो पैच आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिस पर अभी तक काम नहीं हुआ, ये सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल का ही है। इसी सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल में ये पानी की झील जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये भी ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी में ही आ रही है। कुछ देर बाद आपको विद प्रूफ ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि सेक्टर सी की कितनी परसेंट लैंड एक्वायर्ड है और कितनी परसेंट डेवलप्ड है। मास्टर प्लान के ऊपर बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है, लेकिन एक्चुअली में 60-70% इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई। इतना बड़ा क्लेम मैंने किया है तो उसको बैक तो करना पड़ेगा। सेक्टर सी ओवरसीज सेंट्रल का आपकी स्क्रीन के ऊपर, गूगल अर्थ के ऊपर अगर आप मास्टर प्लान रखें और सेक्टर सी की डेवलपमेंट आप चेक करें तो तकरीबन 60-70% एरिया नॉन डेवलप्ड है। 3 रिजर्व स्ट्रीट्स हैं, उनके ऊपर तो 90% काम ही नहीं हुआ, जबकि स्ट्रीट नंबर 2 के कुछ पोर्शन पे काम हुआ है और 3 और 4 के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान को गूगल अर्थ के ऊपर बहुत ही शफाफियत के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ प्लेसमेंट की गई है। 1% की मार्जिनल एरर को भी अगर आप जहन में रखें तो फिर भी सेक्टर सी का लार्ज पोर्शन पर अभी तक काम नहीं हुआ, ब्राउनिंग नहीं हुई। और कुछ एरियाज़ आपको ऐसे भी शो होते हैं, आपको ये फील कराते हैं कि शायद सोसाइटी ने अभी तक इसकी लैंड सेक्टर सी की एक्वायर्ड ही नहीं की। एक और मज़े की चीज़, ये जो येलो कलर की रिजर्व्ड स्ट्रीट्स हैं, इनमें आपकी झील भी आ रही है। इसका मतलब यही है कि सेक्टर सी में या तो ये झील ख़त्म करेंगे जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, या तो सेक्टर सी की लैंड को रिवाइज करेंगे। ये नीचे जो आप झील देख रहे हैं, ये वही झील है जो कि रिजर्व्ड स्ट्रीट्स में आ रही है। ड्रोन फुटेज जब आप एनालाइज करें तो सेक्टर सी की स्ट्रीट नंबर 6 आपको सेफ नज़र आती है बनिस्बत गूगल अर्थ की इमेज के ऊपर। इसलिए गूगल अर्थ की इमेज और ड्रोन की फुटेज के कॉम्बिनेशन के साथ ही आप एक फाइनल जजमेंट दे सकते हैं कि कौन सा एरिया कितना परसेंट डेवलप्ड है। सेक्टर सी के साथ 350 फीट की रोड के ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, ये उसकी ज़मीन है, मुकम्मल एक्वायर्ड है और ब्राउनिंग हुई है। इन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने सेल आउट नहीं किया, जबकि यहाँ पर आपने एक छोटा सा कमरा बना हुआ देखा होगा, ये यहाँ की सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए,
यहाँ पर रिहाइश के तौर पर बनाया गया है। इसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के साथ ये झील है जिसको चौड़ा और गहरा किया जाएगा और प्रॉपर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज किया जाएगा। इसी झील को क्रॉस करें तो अब आपके पास ये ज़मीन जो आप देख रहे हैं ये है कमर्शियल सिविक सेंटर, जिसकी राइट साइड के ऊपर लीनियर पार्क और लेफ्ट साइड के ऊपर 350 फीट की मेन बुलेवार्ड होगी। इसी कमर्शियल सिविक सेंटर के साथ अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट्स की ये जो लैंड देख रहे हैं ये है सेक्टर ए। सेक्टर ए एक चौड़ा ब्लॉक है और एक कनाल का ब्लॉक है। सेक्टर ए 12 मरला का ब्लॉक, जिसकी लेफ्ट साइड के ऊपर 350 फीट की रोड और फ्रंट साइड के ऊपर 180 फीट की रोड है। ये जो लैंड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर 60-70% ब्राउनिंग हो चुकी है। ये एरिया सिलिकॉन वैली में आ रहा है और इसकी राइट साइड के ऊपर 180 फीट की बुलेवार्ड, जिसकी ब्राउनिंग मुकम्मल हो चुकी है। सिलिकॉन वैली एक आईटी सेक्टर का हब बनने जा रहा है, जहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख एम्प्लॉइज यहाँ पर काम करेंगे। रेंटल बेसिस पे इनको डेस्क मिलेंगे, इंटरनेशनल कंपनी के साथ ऑलरेडी मुआहदा हो चुका है। लोकल आईटी सेक्टर्स की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगी एज सून एज जब ये लैंड मुकम्मल एक्वायर्ड और इसकी फॉर्मल लॉन्चिंग हो जाएगी। और ये झील से लेफ्ट साइड की जितनी भी आप ज़मीन अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये सेक्टर ए की ज़मीन है। लीनियर पार्क से टूवर्ड्स झील तक सेक्टर ए का सेकेंड हाफ, ये लोकेशन बनिस्पत अदर हाफ के ज़्यादा ग्राउंड लेवल के करीब है। यहाँ पर फिलिंग कम होगी बनिस्पत सेक्टर ए के दूसरे हाफ के, जो कि थोड़ी सी निचली सतह के ऊपर है। झील के करीब सेक्टर ए का जो सेक्शन है वो हाइटेड लोकेशन पे है, जबकि 350 फीट के करीब जो सेक्शन है वो थोड़ा सा निचली सतह पे है। ओवरसीज सेंट्रल की पोजीशन कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट इसी साल 2022 के अख्ताम से देना शुरू कर देगी, लेकिन ओवरऑल इस एरिया की फिजिबिलिटी को अगर आप चेक करें तो मैक्सिमम 2 ईयर्स रिक्वायर्ड है आपको इसकी मुकम्मल पोजीशन हासिल करने के लिए। और ये 2 साल का टाइम फ्रेम भी बहुत ही आइडियल सिचुएशन में रखा जा रहा है, चूँकि लैंड बहुत ही अनइवन है, फिलिंग कटिंग करते हुए टाइम लग सकता है। और फिर भी कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने इस साल के अख्ताम से पोजीशन देने का ऐलान किया है, इनकी रियलिस्टिक फास्ट स्पीड को देखते हुए ये कहना नामुमकिन नहीं है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ज़रूर 1 से 2 सेक्टर्स को पोजीशन देने की कंडीशन में ज़रूर होगी, जैसे कि सेक्टर जी जिसके ऊपर बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट का काम ऑलरेडी हो रहा है, और डॉक्टर्स इनक्लेव जिसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया। और अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं सेक्टर बी, जो कि ठीक ठाक हाइटेड लोकेशन पर है सेक्टर ए की बनिस्पत। सेक्टर बी 1 कनाल का प्लॉट है जिसपे झील फेसिंग 2 कनाल की स्ट्रीट है। अर्ली मॉर्निंग वीडियो रिकॉर्डिंग करने का एक ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि वीडियो क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से आप इसकी एनालाइजेशन काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। काफ़ी हाइटेड लोकेशन पर है सेक्टर बी, और एनालाइजेशन के बाद आपको ये महसूस होता है कि यहाँ पर फिलिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। ये एरिया कट करके फ्लैट कर दिया जाएगा और फिलिंग तकरीबन ना होने के बराबर है। 1 कनाल के लिए आइडियल लोकेशन सेक्टर बी। 6 लेन्स और 9 स्ट्रीट्स के साथ बहुत ही छोटा सा ब्लॉक है सेक्टर बी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और हाइटेड लोकेशन के ऊपर है। डेवलपमेंट वाइज ब्राउनिंग भी अभी मुकम्मल नहीं हुई, चूँकि इसका कोई टाइम फ्रेम है नहीं, इसलिए एक चीज़ जितनी भी ब्राउनिंग हुई है उससे ये चीज़ बता रही है कि सेक्टर बी की लैंड इनके पास 100% एक्वायर्ड है। और अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये ग्रीनरी और ये ग्रीन पैचेस, ये लैंड ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर डी की है। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये सब्जे से भरा हुआ ब्लॉक सेक्टर डी है। ये लेफ्ट साइड पर रोड 180 फीट की मेन रोड है, जो कि सेक्टर डी को क्रॉस करते हुए गेट प्रीसेंट को टच करेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट का काम रुक जाना इस बात की गारंटीड निशानदेही कर रहा है कि ये पैच सेक्टर डी का अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। वजह मुझे नहीं पता कि क्यों एक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर ये एक्वायर्ड होती तो डेफिनेट बात है कि इस पर ब्राउनिंग और 180 फीट की रोड का काम ज़रूर होना था। अगर सिलिकॉन वैली, जिसको अभी तक लॉन्च भी नहीं किया गया, वहाँ पर 180 फीट की रोड पे काम
हो चुका है। तो ये जो सेक्टर डी जिसको लॉन्च भी कर दिया गया है, यहाँ पर ब्राउनिंग ना होना सीधा सीधा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस एरिया में, इस सेक्टर में ज़मीन का डेफिनेटली मसला ज़रूर है। सेक्टर डी के 7 मरला प्लॉट सेफ हैं और 5 मरला की स्ट्रीट नंबर 3 और 4 की ब्राउनिंग हो चुकी है। इसके अलावा लीनियर पार्क से ले कर 180 फीट की रोड तक सेक्टर डी का कोई भी एरिया डेवलप नहीं है, ब्राउनिंग नहीं हुई हुई। ये एरिया साफ साफ बता रहा है कि चीख के बता रहा है कि मैं एक्वायर्ड नहीं हूँ। क्या सेक्टर डी भी ओवरसीज ईस्ट के सेक्टर एल की तरह रिलोकेट हो जाएगा या इसको सोसाइटी एक्वायर कर लेगी, ये तो वक्त ही बता सकता है। मैं 1 मई 2022 तक की लेटेस्ट फुटेज के साथ और मई 2022 की लेटेस्ट गूगल अर्थ की इमेजरी के साथ आपके साथ ये कंफर्म कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी तक ब्राउनिंग नहीं हुई और सब्ज़ा उसी तरह मौजूद है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पर अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने लैंड एक्वायर्ड नहीं की है। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर डी के 7 मेन 400 फीट रोड फेसिंग सेक्टर ई। सेक्टर ई भी 7 मरला और 5 मरला का ब्लॉक है। सेक्टर ई की ये ज़मीन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सेक्टर ई में 90% ब्राउनिंग का काम हो चुका है, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि यहाँ की लार्जली और या 100% ज़मीन एक्वायर्ड है। यहाँ पर एज सच लैंड का इशू नहीं है, इसलिए सेक्टर ई में बिला झिझक आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट ना रोकें। अच्छी लोकेशन है, 5 मरला के लिहाज से 400 फीट की बुलेवार्ड को टच कर रहा है। ये बीच में जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये सरकारी रोड जा रही है और उसके साथ सेक्टर एफ की ज़मीन है। ये आपके सामने सेक्टर एफ है। इसी सरकारी स्ट्रीट को क्रॉस करें तो आपकी ये ज़मीन सेक्टर एफ में आ रही है। ये जो आप मकान अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये आपकी कमर्शियल पट्टी के ऊपर आ रहा है सेक्टर एफ का, और रिमेनिंग जो इसकी बॉटम साइड पे ब्राउनिंग हुई है थोड़ी सी, ये आपकी स्ट्रीट नंबर 6 और 7 पर हुई है, 7 मरला की सेक्टर एफ पे। इसके अलावा रिमेनिंग सेक्टर एफ की जो स्ट्रीट्स हैं उसकी लैंड अभी तक एक्वायर्ड नहीं है। इसी झील के ऑपोजिट साइड पर आप सेक्टर डॉक्टर्स इनक्लेव देख सकते हैं, जिसको अभी तक सेल आउट नहीं किया गया, जबकि ये जो नीचे बॉटम साइड पे जो आपने ब्राउनिंग देखी है, ये स्ट्रीट नंबर 6 और स्ट्रीट नंबर 7 में हुई है। गूगल अर्थ की अगर आप इमेजरी को देखें, एनालाइज करें, तो आपको ये फील होता है कि जैसे सेक्टर एफ की 12 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स की स्ट्रीट्स इन्होंने एक्वायर्ड नहीं की। इसीलिए हमेशा गूगल अर्थ पर आप एक्सपर्ट ना बने और ड्रोन फुटेज के ऊपर आप रिलाई करें, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह आपके साथ सेक्टर एफ की शेयर करूँगा। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि बॉटम साइड की जो स्ट्रीट्स हैं इसकी लैंड एक्वायर्ड है, ब्राउनिंग का काम शुरू है। इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ गूगल अर्थ प्लस ड्रोन फुटेज ही आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ये वीडियो का पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट में सेक्टर डी, ई, एफ और डॉक्टर्स इनक्लेव और कुछ पार्ट सेक्टर सी का। इसकी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक अपना अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो मेरे चैनल पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।